अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ हम लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग आए हैं ट्रैक पे, तो यहाँ से वॉक करके जाना है तकरीबन 4 किलोमीटर उधर नथरा गली, ये पता नहीं कौन सी जगह है घूमने की। तो मरी वगैरह का व्लॉग अपलोड करती है, था काफ़ी अच्छा अच्छा व्लॉग है, 3 से 4 है, तो आप लोग जाके देखें, इंजॉय करें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। आज व्लॉग अभी इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं डायरेक्ट इधर आया हूँ, तो व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि मोबाइल में चार्ज नहीं था। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये है यहाँ से ट्रैक करके जाना बिल्कुल नीचे 4 किलोमीटर, इंजॉय भी करते हुए जाएंगे। इधर सब हमारे साथ हैं, वकार भाई हैं, ये नाबिया जा रही है, नाबिया इधर हाथ पकड़ के चलना, नाबिया ना भागती है, और इधर ना काफी नीचे गहरा ना खाई है, इस वजह से हाथ पकड़ के जाएंगे हम लोग। पूरा 4 किलोमीटर जाना है, कहाँ से ही और यहाँ पे ठंड थोड़ी ज्यादा है। बाकी सब व्लॉग में तो काफी इंजॉय किया है, इंस्टा रील्स पिक वगैरह सब इंस्टा पे टिकटॉक पे डालूंगा, वहाँ पे आप लोग देखें इंजॉय करें आराम से। नो, जाने से पहले टिकट कटवाना पड़ता है, तो टिकट ले रहे हैं। चार किने खुले दे दे, व्यू काफी अच्छा है, काफी अच्छी जगह माशाल्लाह से। अनाबो उठा दो बेटा गिलास, चल यार। ये अनाबिया सुनती नहीं है बिल्कुल बात, अब ये मार खाएगी, ये ना बिल्कुल बात नहीं सुनती है जब से आई है ना। अब मैं मारूंगा डायरेक्ट थप्पड़। नहीं यार, पिक्चर बना लिया, सारे पिक्चर 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 सारे पिक्चर बना लिए। ये इसके अंदर से जाएंगे, 6 फीट का आदमी तो जा भी नहीं सकता। अरे ये बहुत छोटा बना हुआ है, ये मुझे आते नहीं यार नाप का। अरे बहुत ज्यादा ठंड है इधर, ठंडा भी ऐसा लग रहा है फ्रिज के अंदर आ गए हम लोग। जल्दी जल्दी चलो, ठंड हो रहा है। हम लोग ने इधर जो कोल्ड ड्रिंक पिया है ना, वो यहाँ पे कोई फ्रिज वगैरह नहीं होता, ये इतना ठंडा है ना कि अगर हम लोग कराची में डिफ्रीजर में भी रखे ना, इतना ठंडा नहीं होता है। ये कैसा बना हुआ पूरा, कैसा शूटिंग बनाया इन लोगों ने, दिख रहा है बहुत ज्यादा इधर ठंड हो रहा है, बहुत ज्यादा और ये क्या? हाँ चलो चलो अब आगे बढ़ो, वरना यहीं पे सोन पापड़ी बन जाएंगे। बहुत ज्यादा यहाँ से कुदरती पानी आ रहा है माशाल्लाह से, ये बर्फ है, ये वही पानी है जो हम लोग अभी पी रहे हैं वहाँ पर। बहुत ज्यादा ठंड है, ये बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, ये बर्फ हो रहा है, ये मुझे लग रहा है। मेरे साथ चलो जिमगार्डन देखना, कि ये पानी तो हम पी रहे हैं। ये हम लोग अभी बाहर निकल चुके हैं यहाँ से, और ये पूरा व्यू, ओहो ओहो, अनाबिया को देखना। अब ये पूरा रास्ता है ना, यहीं से सीधा सीधा जाएंगे इस रास्ते से, पूरा हाथ ठंडा कर दिया है।
ट्रैक पे जाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है और वॉक करके, क्योंकि ये व्यू हो और फिर वो ना मज़ा ही बिल्कुल अलग होता है। खबर में आप लोगों को इसके थ्रू दिखाता हूँ। ये पता नहीं क्या चीज़ लगा, अच्छा ये वो है ना बेकार चीज़। अभी हम लोग को जाना, हम लोग को यहीं से जाना है सीधा ट्रैक पे, वो ये काफ़ी ज़्यादा गहरा है और यहाँ पे ना कुछ भी नहीं लगाया हुआ, ये तो कैमरे में ना थोड़ा करीब दिख रहा होगा लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा ही नीचे गहरा है। ये देखे, मैं भी ज़्यादा करीब नहीं जा रहा हूँ। ये अभी टिकट लिया, अभी ये फिर दोबारा बोल रहे ये ट्रैक का टिकट है, चाय लिया था हम लोग वहाँ से निकल गया, वहाँ पे टिकट लिया था और अभी बोल रहे ये ट्रैक का है, पता नहीं ड्रामा है यार। ये लोग जब देख लेते हैं ना कि कोई आया हुआ है घूमने तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। बैर और कोई मसला नहीं है, टिकट ले लेंगे। और इधर से ना वो नीचे वाला काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, वो अगर उस साइड जाएंगे ना उस साइड से काफ़ी अच्छा मज़ा आने वाला है। यार चल लो जल्दी, अभी हम लोगों को चार जाना है ना, चार उधर दूर जाना, में चार किलोमीटर जाना है, 400 किलोमीटर पागल है ये। लोग निकल चुके हैं ट्रैक पे, वो क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप लोग को रुकना नहीं है, बिल्कुल 4 किलोमीटर चलते रहना है, क्योंकि यहाँ पे ना रोशनी से पहले आपको ये जगह क्लियर करनी है, क्योंकि उसके बाद अंधेरा हो जाएगा, उसके बाद ये पता तो नहीं, ये पूरा जंगल ही जंगल है। फजूल बात, कोई शेर वगैरह नहीं आता। हाँ भाई पागल है, डरा रही है फजूल में, मैं अपने गिलासेस उतार रहा हूँ। ब्लॉग में पता चल गया एक पागल मेरे साथ भी इधर घूमने के लिए। ए ये ना दिया चल जाओ। चाय लाजमी था ना थोड़ा फ्रेश होने के लिए। ये लोग जाते जाते ना फजूल फजूल बात कर रहे, इधर शेर भी आ सकते हैं, ये भी आ सकता है। और अभी हम लोगों ने उधर देखा था नीचे ना सुरंग टाइप बना हुआ था, उसने बताया कि अगर कोई ऐसा खतरा वादे गहरा होता है ना तो हम लोग वो खोल के डायरेक्ट अंदर घुस जाते हैं। डर ही लग रहा है, वो ये जल्दी जल्दी 4 किलोमीटर अपना क्लियर करें। और ये आगे पिक्चर चल रही है, जहाँ जाओ पिक्चर ले लो, पिक्चर ले लो, इतना पिक्चर करना क्या है। पहले ही तकरीबन मैंने 35 पिक्चर ले चुका हूँ, पिछले ब्लॉग में आप लोग देख लेना, क्योंकि उसमें सारे पिक्चर की वीडियो बनी है। और पिक्चर अगर देखना हो तो इंस्टाग्राम पे देख लेना, और रील्स वगैरह भी आप लोग इंस्टाग्राम पे देख लें, काफ़ी अच्छे अच्छे। ये दल लिखा हुआ कोई नहीं है, देखो ऊपर लिखा हुआ भी है। सुबह 8 से 6 बजे और अभी टाइम क्या हो रहा यार। इससे अच्छा हम लोग वही पैदल ही गाड़ी में ही चले जाते, मेरे को तो डर लग रहा क्योंकि ऐसा खौफनाक, एक दिन कोई रह ले इधर, काफी खतरनाक रास्ता बना हुआ ये। ये टूटा हुआ पड़ा हुआ है या काटा गया है, इसको रखें क्यों रखें भाई। अरे हो ये वकार भाई के बात सुन, वकार भाई के तेरी बात सुन रहे हैं आप लोग, आगे कोई जानवर ना चढ़ सके, सीधे तदबीर वाला। ओहो इसको तो देखें, ये रखा हुआ है, ये रखे हैं सब ना, नहीं जाने। अरे वकार भाई आप तो हो रहे हैं, ये रखे हुए थोड़ी ना, जो भी चीज देख रहे हैं बोले ये रखे, ये तार है बोलने के, ये तार रखा हुआ है ताकि कोई शेर वगैरह नहीं है। तो यहाँ भी तो तार नीचे है सारे,
ये देखो शेर वगैरह आ जाए, ये पूरे तार वगैरह सब में लगाया हुआ है। ये देखो इधर भी लगा हुआ है। ये पगली आवाज शहादत पाने वाला परेशानी बाजी शहादत ये ना सारे ये काफी ज्यादा इन लोगों ने तार लगाए हुए कि खुदा ना खास्ता अगर कोई आ गया तो इसमें करंट छोड़ देंगे। तो करंट ना वो पोल में हाथ नहीं लगाना आप। ये व्यू काफी खतरनाक रास्ता है कि नहीं मुझे बात बनावियों को खूब डर लग रहा है। और ये क्या बना हुआ ये देखते हैं जरा। उधर वो उधर ना व्हाइट व्हाइट हो रहे ना, उधर बर्फबारी हुई हुई है। हाँ क्योंकि वो देखे ना उधर पूरा बर्फ बर्फ हो रहा है। ना भी आप साइट होके चलिए। कितने देर तक ये ट्रैक है देखते हैं टाइम। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे इसी ट्रैक पे, क्योंकि ट्रैक एंजॉय कर रहे और मजा आ रहा है काफी ज्यादा। और ये इतने मोटे मोटे लगे हैं। ये भी फैमिली वापसी जा रही थी तो इनसे पूछा, तो ये बोल रहे गाड़ी वाली गाड़ी अगर नहीं हो तो हम लोग फिर पैदल जाते हैं ना, लेकिन हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हमारी गाड़ी वाले जो है वो ना पीछे से उधर पहुँच जाएंगे, क्योंकि गाड़ी में ना कम से कम आधा घंटा लगता है और वॉक करने में 20 मिनट में आप पहुँच जाते हैं। हाँ बीच खा लो। मैं बीच नहीं खा सकता ना, क्योंकि मैं एक हाथ से व्लॉग बना रहा हूँ और एक हाथ में है ग्लासेस। व्यू चेक करें यार, फुल बर्फ वगैरह। क्या हुआ? अरे 4 किलोमीटर वो वापसी आ जाता है 1 किलोमीटर का। अभी कदम बढ़ाइए भैया, अभी ना 1 मिनट ना ये क्योंकि ना मेरी सिस्टर ना आगे अभी मैं पीछे से जाऊंगा वो करूंगा। देखा ना कैसा ये इतने खाएंगे। अच्छा तार दौड़ना ये लोग नीचे चले। अनाविया ने मेरा साथ किया, अनाविया को मैंने कहा था कि तुम आगे जाओ मैं पीछे। हाँ जल्दी जल्दी पूरा करना है। अच्छा हुआ हम लोग को गाड़ी में नहीं गए, क्योंकि ये है ना बोली थी गाड़ी में जाना है। अब तो वॉक करके जा रहे, मज़ा भी आ रहा है, व्यू भी काफ़ी अच्छा है और सारी चीज़ें देखते हुए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अनाविया ने मेरा साथ दिया, इसको मैंने चुपचाप से आगे जा रही है। जैसे ही जैसे अंदर आते जा रहे हूँ ठंड ज्यादा हो रही है, ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। आपको एक चीज से ऑक्सीजन मिल सकता है। ये 4 किलोमीटर तकरीबन ना एक घंटा लाजमी लगेगा। और भी फैमिली जा रहे थे, ये लोग हाफ जगह इन लोगों ने कंप्लीट किया, फिर वहाँ से वापस चले गए। बोले नहीं काफ़ी दूर हम लोग मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग अपना पूरा कंप्लीट करेंगे। हार नहीं मानते। अनाभी को जैकेट कितना ठंडा हो रहा है। मैंने सिर्फ एक ट्राउजर पहना हुआ है और ये पहना हुआ और मुझे ठंड नहीं लगी। अनाभी की आवाज़ आ रही है।
इनसे पूछना, ये तो पूरा गए थे, आप गए थे। ये लोग फिर वापसी जा रहे हैं, इन लोगों ने हाफ हाफ रास्ता किया और हम लोग को पूरा जाना पड़ेगा। हाँ इनकी गाड़ी ना यही है, लेकिन हमारी गाड़ी ना हमारे ट्रैक पे पहुंचेगी रनिंग करते हुए, क्योंकि हम लोगों को जल्दी पहुंचना है। और इधर 5 बजे मगरिब हो जाती है, और मगरिब हो जाता है और अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। और अभी यहाँ बजे 4, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा, और 1 घंटे में ये ट्रैक पूरा करना हम लोगों को। सामने से भाई भागते आ रहे हैं, ये आबशार है, इधर से पूरा पानी जाते है ये नीचे नीचे तक। और एक इधर पाइप भी लगा है इन लोगों ने, ये काफी ऊपर से पानी आ रहा है, लेकिन अभी ना बर्फ की वजह से ये काफी ज्यादा कम हो गया। और ये हम लोग तकरीबन 9000 फीट हम लोग ऊपर हैं, और हम लोगों को अभी उधर जाना है, अभी हम लोगों को उधर से होकर जाना है, उतना नहीं पड़ेगा। और व्यू बिल्कुल औसम आ रहा है। अभी ये लिखा है डोंगा गली 3.5 किलोमीटर बाकी है, और अभी तक हम लोग 0.5 किलोमीटर आए। अब हमें थोड़ी अपनी स्पीड टेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अंधेरा हो रहा है। अंधेरा हो रहा नहीं, अंधेरा होने वाला है थोड़ी ही देर में। यार दिल कर रहा है मैं यहाँ से जाऊँ, इतना अच्छा पीछे का व्यू आ रहा है काफी अच्छा, और यहाँ से भी ना कश्मीर की पहाड़ दिख रही है, जिसमें तो कश्मीर की जो पहाड़ है वो दिख रही है। ये भी मेरे ख्याल से हाफ से वापसी आ रहे, सारे हाफ हाफ से वापसी आ रहे, और हम लोग देखते कि ये ट्रैक पूरा कर पाते या नहीं कर पाते। आपने अपना ट्रैक पूरा कर लिया? जी जी, 4 किलोमीटर पूरा ले गए। वाह इन लोगों ने 4 किलोमीटर ये लोग गए थे, और रिटर्न भी वापसी ये लोग उधर ही जा रहे हैं, और हमारी गाड़ी तो उधर आएगी। इन लोगों ने अपना ट्रैक पूरा कर लिया। हिम्मत है इन लोगों की, अभी तो हमारे आधा किलोमीटर हुआ है, अभी 3.5 किलोमीटर बाकी है, और ये लोग गए भी थे 4 किलोमीटर, और जो 4 किलोमीटर रिटर्न वापसी भी जा रहे हैं इनका आधा किलो। अभी ये पूछ रहे थे कि कंप्लीट होने वाला है, मैंने कहा हाँ कंप्लीट होने वाला है, बस थोड़ा ही दूर है, अब हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। उन लोगों का थोड़ा टिकटॉक तो वीडियो बनाना था, उन लोगों ने कहा यार ऐसे ही करके ये रहा, ये था ना अब ये कोई सुड़ी। अरे ऊपर बैठने की जगह ऊपर चले। अरे और ना भी जैकेट इतना ठंडा हो रहा, पता नहीं क्या बनेगी, पहले ही हाथ इतना बर्फ हो रहा है, व्लॉग नहीं बनेगा सही यार। ये चीजें हैं ये यहाँ से जल्दी जाना होगा, इधर ना किसी चीज की आवाज आ रही है, क्योंकि उधर ना या अल्लाह अब मजा भी आ रहा है और डर भी लग रहा है दोनों। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अनाज और साथ ऑक्सीजन नहीं मिल रही, क्योंकि ज्यादा खाना अनाजिया मेरे साथ नहीं जाएगी ना, क्योंकि इधर अभी हम लोगों ने देखा उधर लिखा हुआ फॉरेस्ट सारे एनिमल वगैरह, तो इस वजह से अब हम लोग जल्दी जल्दी ये रास्ते क्लियर करेंगे। ये सामने का व्यू आ रहा है काफी अच्छा, बस अब जल्दी जल्दी जाऊंगा व्लॉग बनाते हुए ताकि अच्छा व्यू वगैरह आ जाए। अनाविया बेटा आप इधर आइए, माशाल्लाह कुदरत ने क्या चीज बनाई है।
सिर्फ इस ट्रैक पे हम ही लोग बहुत कम लोग थे जो यहाँ से गए थे। डर भी लग रहा है, अगर मेरा आइडिया हो ना, अगर आप लोग आए तो ये अयूब नेशनल पड़ता है, तो नित्रा गली के अंदर से दिखते ये ट्रैक पूरा करते, ये ट्रैक जहाँ निकलेगा मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो इस रास्ते से आप लोग बिल्कुल ना आए क्योंकि इधर अजीब सी आवाज़ भी आ रही है। तो इस रास्ते से आप लोग बिल्कुल भी ना जाए, आप लोग भले उनके साथ। अब 3 किलोमीटर बाकी, हम लोगों ने अभी तक 1 किलोमीटर किया, ये रहा काफ़ी ज़्यादा रास्ता भी बाकी है, तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और आप लोग इधर से नहीं आए, भले गाड़ी से चले जाए, आधे घंटे इधर इंजॉय थे। मैं सिर्फ ब्लॉग के चक्कर में आया था कि ब्लॉग अच्छा बन जाएगा तो इंजॉय कर लेता हूँ, वरना मेरा कोई ऐसा आइडिया नहीं था। ये लोग बोल रहे थे गाड़ी में जाने का, मैं गाड़ी में भी जा सकता था लेकिन सिर्फ ब्लॉग के लिए आया कि ब्लॉग अच्छा बन जाएगा। लेकिन इधर सबको डर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ हम लोगों के अलावा आगे कोई भी नहीं है। उस दिन हम लोग जा रहे थे फैसल मस्जिद, तो ना ऐसे ना जंगल वगैरह आ रहा था ना, तो मेरी सिस्टर बोली ऐसे जंगल में जाके वो ना मज़ा आएगा ना, और आज ये पूरा फिल्म वाला सीन हो गया। काफ़ी डर भी लग रहा हम लोगों को, बात हकीकत हो गई उनकी कि ये पूरा जंगल है और इधर कुछ पता नहीं है कि कहीं से क्या निकल के आ जाए। डर तो काफ़ी लग रहा हम लोग सबको। बोली थी जंगल में जाओ, जंगल में जाके व्लॉग बनाओ, आपको फिर सारे देखेंगे, व्यूज अच्छा आएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब आएगा। अब आप लोग पता नहीं ये जंगल वाला व्लॉग देखकर लाइक कमेंट्स करें सब्सक्राइब करें नहीं पता, लेकिन बस मेहनत कर रहा हूँ। डर भी लग रहा है, ये इस ट्रैक में मैं सिर्फ इसी वजह से आया हूँ ताकि व्लॉग बना सकूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखें। और ये पूरा नीचे अनाविया बेटन, अनाविया भी थक गई है, और अब मैं इसको गोदी में ले लूँगा। मेरे ख्याल से हम लोगों का 2 किलोमीटर कम्प्लीट होने वाला है। ये थोड़ा गर्म हो रहा है इधर इतने, अभी जब वहाँ से आ रहे थे ना तो पीछे काफ़ी ज़्यादा ठंड है। ये देखिए ये पूरा जंगल, इधर सब चीज़ है। अगर कोई बोले ना इधर कोई चीज़ नहीं, क्योंकि इधर मैं बोट दिखाया आप लोगों को ना, इधर इधर से कुछ भी चीज़ निकल के आ सकते, बस अल्लाह खैर करके हम लोग वहाँ पे पहुँच जाए। ये देखकर यही लग रहा है ना कि ये पूरा जंगल है, लेकिन हम लोग वो उस पूरे रास्ते से आ रहे हैं। ये जंगल दिख रहा था और इस साइड से देख रहे हैं तो वो पूरा जंगल ही जंगल दिख रहा है, कुछ भी नहीं। वो जगह से हम लोग अभी आ रहे हैं और ये देखें, ये माशाल्लाह ये व्यू, ये कश्मीर। ये ऐसा लग रहा है मुझे ना, मैं अपनी आईज से भी देख रहा हूँ, मुझे बिल्कुल रियल नहीं लग रहा है, ये पूरा अंधेरा। अभी हम लोग आके इधर थोड़ा सा बैठे हैं, अब यहाँ सोचेंगे सिर्फ 2 किलोमीटर बाकी है, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लें क्योंकि सारे थक चुके हैं। हाँ डर तो सबको काफी लग रहा है, चलो यहाँ पे जल्दी जल्दी रास्ता पूरा करना है। ये हम लोग ऊंचाई पे हैं, मैक्सिमम 9000 फीट के ऊपर है हम लोग इस ट्रैक पे जंगल वाले। अब थोड़ी सी ना ठंडी ठंडी हवा इधर स्टार्ट हो चुकी है। वकार भाई को अभी सॉन्ग याद आ रहे हैं अच्छे अच्छे, उससे पहले तो हालत बुरा था इनका, और पीछे फैमिली भी है। नीचे फेंक कर दिखाए, बस पहुंचने वाले हैं। वकार भाई से पूछते हैं कि इस ट्रैक में जाके कैसा लग रहा है, क्योंकि ये भी फर्स्ट बार आए, और मैंने इनसे पूछा कि आप फर्स्ट बार आए, बोलना अगर पता होता मैं ले कर नहीं आता। वकार भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत जबरदस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, आप लोग यहाँ एंजॉय करें यहाँ आके। मैंने तो मना किया क्योंकि हम लोग अकेले थे, इस वजह से अभी तो जैसे अगर ज्यादा लोग हो ना तो आने में मजा भी आएगा, हम लोग कम थे, लेकिन अभी आगे पीछे हैं तो थोड़ा सा सही लग रहा
बस पहुंचने वाले जंगलों में कैंप लगा के बैठे बस, और जाएंगे ना स्वाद का इंशाल्लाह टूर होगा तो वहाँ का भी टूर काफी अच्छा होने वाला है। एक किलोमीटर पूरा बाकी है, अभी पूरा एक किलोमीटर बाकी है, उधर लिखा हुआ था बोर्ड में। कौन सी जंगल से हम लोग आ रहे हैं कुछ पता नहीं है। वो देखें वो तीन जा रहे हैं सामने, अरे दिखा नहीं, कैप्शन नहीं कर पाया मैं। वो लोग जा रहे हैं पता नहीं है पूरे जंगल से आ रहे, वो नीचे वाले से आ रहे हम लोग वो बिल्कुल नीचे वाले से आ रहे, इतने ऊपर आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ, रनिंग रनिंग फास्ट रनिंग। ये देखिए इधर ये सब चीजें होती है। अभी हम लोग आ रहे हैं ना तो कुछ लोग वापसी जा रहे हैं, यहाँ से इतना दूर तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगेगा और सिर्फ अंधेरा होने में 25 मिनट बाकी है। पता नहीं कहाँ से हम लोग आ रहे हैं, ये मेरे हाथ में है बोतल, इसको फेंक कर देखते हैं कहाँ जाता है। अरे ये तो इधर ही गया, पता भी नहीं चला। नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना तो इंशाल्लाह ड्रोन कैमरा लेकर आऊँगा, पूरा कैप्चर करूँगा इस जगह को और फिर काफ़ी अच्छा ब्लॉग बनने वाला है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत जल्दी आऊँगा, आप लोग ऐसी सपोर्ट करते रहें, अगर आप लोगों की सपोर्ट मिलेगी तो मैं जल्दी से इस ट्रैक का लाजमी ड्रोन कैमरे से पूरा कैप्चर करूँगा ये जगह कि क्या है क्या चीज़ नहीं है, काफ़ी अच्छा बनने वाला है ड्रोन कैमरे से। तो आप लोग जल्दी जल्दी सपोर्ट करें इस ब्लॉग में, अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं ताकि आप लोगों को ड्रोन कैमरे का ब्लॉग मिल सके जो ये पूरा कैप्चर करे और आप लोगों को दिखाए कि क्या क्या होती है इधर, क्या क्या नहीं होती। बस अब थोड़ा ही सा दूर है पहुंचने वाले, इधर कुछ लिखा हुआ है खबरदार नेशनल पार्क के अंदर और वगैरह ना करें। अच्छा ये मना किया हुआ है ना क्योंकि इधर ना अगर आप इससे करोगे ना तो शेर वगैरह का खतरा, क्योंकि ये तो जंगल है ना, कुछ पता नहीं होता कहाँ से क्या निकल के आ जाए और कहाँ से कहाँ, इस वजह से मना किया। वो इसलिए मना है क्योंकि जानवर को, क्योंकि जैसे ही आप आवाज़ निकालोगे कोई भी जानवर कहीं से भी निकल के आ सकता है, इस वजह से उधर दूसरा खबरदार वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। यार कहाँ है ये, बस अब इधर अंधेरा होने वाला है, थोड़ी 5-10 मिनट बाकी है, सारा दूर से आ चुका है। और ये उसके बाद से जो मेरे ख्याल से अगर कोई ट्रैक कर रहा है ना वो कोई बेवकूफ़ ही है, क्योंकि ये जगह बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि कोई ये ट्रैक करे ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर है रात के टाइम, क्योंकि हम लोग जब दिन में आते हैं हम लोगों को डर लग रहा था। ये आई थिंक हम लोग पहुँच गए शायद, क्योंकि पता नहीं मैं वहाँ से बोलते हुए आ रहा हूँ पहुँच गया जगह नहीं आ रहा था। बीच है ये होटल बना हुआ इधर, यार ये समझ नहीं आया अगर कोई जैसे यहाँ पे रहते हैं ठीक है, यहाँ तो ज़्यादातर ट्रैक वाले आ रहे इधर स्टे कर रहे हैं, अगर किसी का इधर अपना घर हो वो इतना ऊपर है, मैंने आप लोगों को जूम करके दिखाया तो ये लोग आते जाते कहते हैं। अच्छा अरे मैं तो पागल हूँ, यहाँ से तो 4 किलोमीटर वॉक करके ना वहाँ से फिर रास्ता है जो हमारा जो गाड़ी वाला है वो पीछे से ही आएगा, वो पीछे से तकरीबन 17 किलोमीटर से वो इधर आएगा इस इधर हमें पिक करने के लिए, और हाँ इधर जितने भी मकामी वो सारे बैक साइड से आते होंगे, यहाँ से कोई भी नहीं आता जाता होगा, यहाँ से तो सिर्फ वही जिसको घूमना हो वही सब आते हैं। बस पहुंच चुके हैं गाड़ी के करीब अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं ये गाड़ी पे पहुंचूंगा और इस ब्लॉग को करूंगा एंड। अब आप लोगों का काम है इतने लंबा ट्रैक करना ब्लॉग के साथ, इतना मेहनत करना,
तो अपना प्यार दिखाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करते रहें, अपना प्यार दिखाते रहें। ऐसे उधर पता नहीं क्यों रोके रहें। अच्छा वो टिकट पर्ची देना। ये पूरी मार्केट है, खाने पीने की जगह है, और हो हमारी गाड़ी भी है। हाँ ये नथिया गली है, डोंगिया गली, नथिया गली, पता नहीं कैसा कैसा नाम है। और ये हमारे बहुत लंबा था, 4 किलोमीटर है, लेकिन बहुत खतरनाक रास्ता था, लेकिन आया तो बहुत मजा आएगा। हाय मेरा, हमारी गाड़ी आई हुई है। अनाविया फुल टायर्ड हो चुकी है। क्या हुआ अनाविया, क्या हुआ, इधर तो देख लो, बहुत ज़्यादा ये थक चुकी है। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर, एंड लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आप लोग ठोक दें, और ताकि अच्छी अच्छी व्लॉग आप लोगों को मिलने वाली है। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।